Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tarusha Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जैसे ही महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं की बॉडी में ऐसा कौन सा लक्षण है जो ज़्यादातर महिलाएं महसूस कर सकती हैं और जान सकती हैं कि ये लक्षण आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है, जो महिलाओं का प्रेगनेंसी काउंट होती है प्रेगनेंट होने के बाद, वो पीरियड के पहले दिन से काउंट होती है, और जो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं वो ओवुलेशन के एक हफ्ते बाद से ही दिखना शुरू होते हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद से ही महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है। और जब इम्प्लांटेशन सफल होता है उसके बाद से ही प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू होता है, हार्मोन में फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से अर्ली फेज में महिलाओं की बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंजेस दिखाई देते हैं। बट हर एक चेंज महिलाओं की बॉडी में दिखाई दे ये ज़रूरी नहीं होता है, बट कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत कॉमन से होते हैं आपकी नॉर्मल लाइफ से, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं कि ये आपकी बॉडी में ऐसे ही हो रहा है या प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि जब बच्चा इम्प्लांट होता है तो उसी टाइम से महिलाओं की बॉडी इंटरनली बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है यानी पहले जो 12 हफ्ते होते हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी महिलाओं की लगती है, बहुत ज़्यादा पानी भी महिलाओं की बॉडी कंज्यूम कर रही होती है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई सब मदर की बॉडी से बच्चे को हो रही होती है, बच्चे का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, क्योंकि पहले 3 महीने में ही बच्चे का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इसकी वजह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकान लगना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जैसा फील होने लग जाता है। आप थोड़ा बहुत भी काम करिए, काम नहीं भी करिए, तब भी आपको थकान फील होता है, आपको मुंह में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होने लगती है, जीभ भी ऐसा खुरदुरी सी फील होने लगती है, बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगने लगती है, क्योंकि वाटर का जो वाटर बाहर भी निकल रहा होता है, जैसे आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत हो तो बॉडी वाटर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है, बच्चे को भी प्रॉपर जो सब चीज़ सही रहता है वो मदर की बॉडी से ही मिल रहा होता है, चाहे वो ब्लड हो, वाटर हो, ऑक्सीजन हो, सब मदर की बॉडी से मिल रहा होता है। मदर की बॉडी कभी कभार डिहाइड्रेट भी हो जाती है जिसकी वजह से आपको यूरिन गाढ़ी भी नज़र आना शुरू हो सकता है। ये जो सब चेंजेस हैं ये आपको प्रेगनेंसी की वजह से फील हो रहे होते हैं, साथ में आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है। अगर आप ज़्यादा देर तक किसी जगह पे बैठे हैं तो महसूस किया होगा कि अगर ब्लड सर्कुलेशन एक जगह पे रुक गया है तो वो एरिया आपका नम पड़ जाता है, तो ये फीलिंग अगर आपको ज़्यादा महसूस होने लग जाएगी अगर आप एक जगह पे ज़्यादा बैठे हैं, एक जगह पे ज़्यादा खड़े हैं, तो ये चीज़ें प्रेग्नेंट होने में ज़्यादा महसूस होने लग जाती हैं। साथ में ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से आपकी सांसें ज़्यादा चढ़ने लग जाती हैं, थोड़ा बहुत भी वॉक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं तो आपकी सांसें ज़्यादा चढ़ेंगी, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो सांसें ज़्यादा चढ़नी है, थोड़ा सा भी कुछ काम कर रहे हैं सांसें ज़्यादा चढ़ रही हैं, आपको हर टाइम रेस्ट करने का मन कर रहा है, हर टाइम सोने का मन कर रहा है, हर टाइम आपको लेजी फील हो रहा है, हर टाइम आपको नींद आ रही है। देखिए, दिन भर तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, दिन भर आप एग्जॉस्टेड फील करते, बट रात को क्या होता है, कुछ महिलाओं को नींद ही नहीं आती है, बुरे बुरे से सपने आते हैं, इंसोमेनिया की शिकायत हो जाती है, ये प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा होता है। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो बहुत बॉडी पार्ट में आपको पेन होना शुरू हो जाता है। स्पेसिफिक आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, बहुत एरिया में आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है, पेट के नीचे दर्द होता है, पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, यूरिन में चेंजेस दिखते हैं, ब्रेस्ट में चेंजेस दिखते हैं, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है, आपके नेल्स की ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है, कुछ महिलाओं के नेल्स टूटने लग जाते हैं बट कुछ महिलाओं के नेल्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। अगर आपको पिगमेंटेशन की शिकायत है तो वो चीज़ें आपको डार्क लगेंगे, जैसे अगर आपको कोई मस्से वगैरह है या पिगमेंटेशन है तो उसका कलर आपको डार्क होने लगेगा, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ये चेंजेस भी आपको नजर आ। देखिए, हर महिला की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तो तेज होता है, बट कुछ महिलाओं की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपकी स्किन को भी मिल रहा होता है, तो ग्लो आपको नजर आ सकता है जिसे हम प्रेगनेंसी का ग्लो कहते हैं। एंड साथ ही साथ कुछ महिलाओं के केसेस में पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है, कुछ कभी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है, कभी कम प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम होने लग जाती है, अगर कम प्रोड्यूस करती है तो आपको ड्राइनेस, इचिंग की प्रॉब्लम भी प्रेगनेंसी में महसूस हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन से सिम्टम हैं जो आपको नॉर्मली भी महसूस होते होंगे, बट अगर ये सिम्टम आपको लगातार महसूस हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका पीरियड डेट मिस होगा और आपको लाइक पीरियड डेट मिस होने के एक हफ्ते के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी की वजह से ही ये चेंजेस हो रहे थे, और इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। यही है आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।